नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू बना भावा। डॉक्टर भावा ने पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया है। उन्हें ये भारत का अपमान लगा और इस प्रतिज्ञा के साथ प्रयोगशाला में बंद हो गए कि तभी बाहर निकलेंगे जब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर लेंगे। उनकी पत्नी सुषमा और बेटा 3 साल तक प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे। 3 साल बाद उन्होंने सुषमा और बंटी को अपने आविष्कार जंबू से मिलाया। जंबू को वे सुपर कंप्यूटर का बाप कहते थे। जंबू आदमी की तरह बोलता, चलता फिरता और चुटकुले सुनाता था। घर में रहीम नाम का नौकर था। जंबू जान गया था कि वो अमेरिका का जासूस है और फिर जंबू ने पीटते पीटते रहीम को मार डाला। रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकाल डॉक्टर भावा ने अमेरिका सीक्रेट सर्विस के चीफ से संपर्क स्थापित करके जंबू की खूबियाँ बताई। जंबू के बारे में सुनकर अमेरिकी परेशान हो गए। उन्होंने भारत के एक अपराधी गिरोह से जंबू और डॉक्टर भावा को ख़त्म करने का सौदा किया। डॉक्टर भावा जंबू से मौसम के बारे में पूछ रहे थे। सुषमा और बंटी कमरे में सोए हुए थे कि 4 गुंडे पाइप पर चढ़कर कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने डॉक्टर भावा पर गोलियां बरसा दी। जंबू ने गुंडों को अपनी तीसरी आँख से निकलने वाली किरण से पत्थर की मूर्तियों की तरह जाम कर दिया। डॉक्टर भावा ने जंबू को हुक्म दिया कि तुम मेरा दिमाग निकालकर अपने सिर में फिट कर लो। जंबू ने कहा कि मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। भावा ने उसे ऑपरेशन करने की विधि बताई। डॉक्टर भावा के निर्देशानुसार जंबू ने उन्हें बेहोश किया और गोद में उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। जंबू ने कहा, आपका हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ़ कर देना। हे भगवान, मुझे यह क्या करना पड़ रहा है? ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। आह, कट गया। अब इसे अपने सिर में फिट करना होगा। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। और जंबू उस मशीन के अंदर चला गया। 20 मिनट बाद वह बाहर आया और बदमाशों से बोला, तुमने मुझ पर गोलियां चलाई थी और तुम्हारे ख्याल से मैं मर गया। तुम बेवकूफ़ हो। भले ही तुम मेरी लाश को देख रहे हो, मगर मैं जिंदा हूँ। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूँ। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें पत्थर किरण से आज़ाद कर रहा हूँ। कबूतरों, जरा देखो तो सही, जंबू के हाथ के बने रसगुल्ले और रसमलाई कितने स्वादिष्ट होते हैं। चारों बदमाश बोले, भागो भागो, ये हमें पापड़ बना देगा। जंबू ने कहा, भाग कर कहाँ जाओगे चूचू के मुरब्बो। और जंबू ने एक बदमाश को घूसा मारकर हवा में उछाल दिया। वह बोला, ये ले मेरे हाथ का रसगुल्ला खा। दूसरे से बोला, तुझे रसमलाई पसंद है ना, ये ले। जंबू ने चारों की इतनी ठुकाई की कि वह चारों बोले, हमें माफ़ कर दो। जंबू ने कहा, अब मैं प्रयोगशालों को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। चारों बदमाश बोले, नहीं जंबू, हमसे भूल हो गई डॉक्टर भावा, हमें बख्श दो, माफ़ कर दो। जंबू ने कहा, मैं तुम में से केवल एक को माफ़ कर सकता हूँ। चारों बोले, किसे किसे किसे? जंबू ने कहा, उसे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। बदमाशों ने कहा, क्या मतलब? जंबू बोला, चारों आपस में फाइटिंग करो, जो जीतेगा उसे मैं माफ़ कर दूंगा। बदमाश बोले, जी क्या अजीब बात है, मगर? जंबू ने कहा, फाइटिंग शुरू करते हो या बना दो चारों का मुरम्बा? एक बदमाश बोला, करता हूँ, ये ले। और चारों बदमाश आपस में फाइटिंग करने लगे। जंबू ने बदमाशों से कहा, नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आया लकड़बग्गे, इस बागड़ बिल्ले की खोपड़ी तरबूज की तरह तोड़ दे। एक बदमाश ने अपने साथी को हवा में उठा लिया। जंबू ने कहा, हाँ अब मज़ा आया, इस लंगूर की दुम को दीवार पर पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद एक बदमाश ने कहा, मैंने तीनों को मार दिया जंबू, अब मुझे माफ़ कर दो। जंबू ने कहा, तुम सचमुच सबसे ज़्यादा ताकतवर निकले। बदमाश बोला, तो अब मैं जाऊँ? जंबू बोला, यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूँ। बदमाश ने कहा, जी। जंबू ने एक बटन दबाया, हाथ में से एक आरी निकल आई। आरी से उसने लाशों के अंगों को काटना शुरू किया। फिर कटे हुए अंगों से उसने अपना नाम जंबू लिखा। फिर एक बटन दबाकर उसकी तस्वीर खींची और बदमाश को देकर कहा, जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जंबू उसकी भी यही हालत करने वाला है। बदमाश वहाँ से निकल गया। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। वह अंदर से चिल्लाए, जंबू जंबू, पापा पापा, दरवाज़ा खोलो। सुषमा ने कहा, क्या हुआ जंबू, ये उठा पटक और फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? बंटी ने कहा, हमारे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था? जंबू बोला, कुछ गुंडे आए थे। सुषमा ने कहा, फिर? जंबू बोला, मेरे साथ आओ। प्रयोगशाला में पहुँच कर
सुषमा ने कहा, यह सब क्या है जम्बू? जम्बू बोला, गुंडों की लाश के टुकड़े। बंटी ने कहा, पापा कहाँ हैं? जम्बू बोला, अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला, लाश वो रही। सुषमा रो पड़ी और बोली, नहीं नहीं, वे नहीं मर सकते। बंटी ने कहा, क्या मेरे पापा सचमुच मर गए जम्बू? जम्बू बोला, रोने की ज़रूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहती हो, डॉक्टर भावन नहीं मर सकते, हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। सुषमा ने कहा, क्या मतलब? जम्बू बोला, मैं यानी डॉक्टर भावा का आविष्कार जम्बू अब खुद भावा बन चुका हूँ। मेज पर पड़ी लाश नहीं, केवल वह शरीर है जिसे गुंडों ने मेरे लिए नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे अपना ट्रांसफ़र जम्बू के शरीर में करना पड़ा। सुषमा ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर तुम कह क्या रहे हो? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की कहानी उन्हें सुनाई। सुषमा बोली, ये कैसा चमत्कार कर डाला आपने? जम्बू ने कहा, विज्ञान चमत्कार का ही दूसरा नाम है सुषमा, और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। बंटी ने कहा, इसका मतलब ये हुआ जम्बू कि अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए हो? जम्बू बोला, निसंदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी, मगर मैं यह नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे डॉक्टर भावा कहें, बल्कि चाहूँगा कि सब लोग मुझे जम्बू ही कहें। बंटी ने कहा, ऐसा क्यों? जम्बू बोला, वैज्ञानिक को अपने से ज़्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग मेरे इस जिस्म को जम्बू कहें। बंटी बोला, ठीक है पापा, मैं आपको जम्बू ही कहूँगा। जम्बू ने कहा, वेरी गुड, अब हमें बेकार हो चुके उस जिस्म का अंतिम संस्कार करना चाहिए। बंटी ने कहा, तुम ठीक कहते हो जम्बू। उधर बदमाश ने अपने बॉस जिंगारू को जम्बू के बारे में बताया तो वह बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? बदमाश ने कहा, यह सच है जिंगारू, चमत्कारी ऑपरेशन होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर भावा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिंगारू ने कहा, कैसे? बदमाश बोला, मेरे साथ गए आपके आदमियों की उसने ये हालत कर डाली और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फ़ोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे दिया है। जिंगारू बोला, ओह। बदमाश बोला, जम्बू ने कहा है कि वह आपकी भी यही हालत करेगा। जिंगारू ने कहा, बकवास बंद करो। उसने सोचा, उफ, उसके पास ऐसा जिस्म है जिस पर गोलियां असर नहीं करती और दिमाग डॉक्टर भावा का है, वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फौरन ख़त्म नहीं किया गया तो वह मुझे और मेरे गिरोह को नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे बंटी ने कहा, कहाँ जाने की तैयारी है जम्बू? जम्बू बोला, सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। बंटी ने कहा, मैं भी चलूँ? जम्बू बोला, मैंने फ़ोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है, चलना है तो फौरन चलो। फिर दोनों तैयार होकर भारतीय सीक्रेट सर्विस चीफ अमरनाथ सक्सेना के यहाँ चल दिए। चीफ ने उन दोनों से कहा, कौन हैं आप लोग? जम्बू बोला, हम आप ही से मिलने आए हैं। चीफ ने कहा, क्षमा कीजिए, यह टाइम मैंने किसी और को दे रखा है। जम्बू बोला, किसे? चीफ ने कहा, शायद आपने नाम सुना हो, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर भावा। बंटी ने कहा, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं अंकल? चीफ ने कहा, क्या मतलब? जम्बू बोला, ये डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है और मैं खुद डॉक्टर भावा। चीफ ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और बोला, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, बोलो खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? बंटी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल, पापा ने अपना शरीर बदल लिया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।